हाय फ्रेंड्स, मैं आरती। आप देख रहे हैं ऑनलाइन प्रिपरेशन। और फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो है आपका पर्यावरण का, और यानी कोड 505 का। और जो क्वेश्चंस हैं वो दो नंबर वाले यानी मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू हैं। तो चलिए आइए देख लेते हैं, क्योंकि आपका ये चल रहा है रिविजन टाइम। यदि पार्ट की बात करें तो पार्ट आपका फोर्थ है। इसके पहले जो हमने लॉन्ग वाले क्वेश्चन 5 और 10 नंबर्स के हैं उसको हमने अपलोड किया था, वो भी आप वीडियो देख लीजिए यदि आपने नहीं देखा है। तो चलिए आइए देख लेते हैं क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है कि पर्यावरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है। अब आपको बताना है। देखिए, राइट आंसर, इसमें आंसर तो आपके पास ऑलरेडी है, जो डी है वो बिल्कुल राइट आंसर है, यानी उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी क्यों सही आंसर है? क्योंकि पर्यावरण के संबंध में कौन सा तथ्य सही है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो देखिए, पर्यावरण अध्ययन अजैव तत्वों का समूह है, बिल्कुल सही है। अगर आपने हमारा वीडियो देखा होगा जिसमें हमने आपको पर्यावरण के जितने भी प्रकार होते हैं, क्या क्या से किन किन चीज़ों से मिलकर पर्यावरण बनता है, तो अजैव तत्व है, जैव तत्व हैं और अजैव अजैव जो है इन दोनों का, यानी पर्यावरण अध्ययन अजैव तत्वों का, पर्यावरण अध्ययन जैव तत्वों का और पर्यावरण अध्ययन जैव तथा अजैव तत्वों का समूह है। तो बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का घटक है। अब आपको ये बताना है। तो देखिए, इसका सही आंसर आपका डी होगा, यानी उपयुक्त सभी। क्योंकि पर्यावरण के घटक के अंतर्गत आपका भूमि भी आता है, जल भी आता है, वायु आता है और जैविक प्राणी भी आते हैं। क्वेश्चन आपका इसमें 100% जहाँ तक मेरा ख्याल है कि आपका क्वेश्चन इससे जरूर आएगा कि पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं और उदाहरण सही समझाइए। तो आप भूमि, जलवायु, जैविक प्राणी लिख के इसको एक्सप्लेन करके आराम से समझा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेती हूँ कि पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है। पर्यावरण शिक्षा का अब क्या उद्देश्य है आपको बताना है। तो देखिए, ऑप्शन आपके सामने है कि पर्यावरण शिक्षा, पर्यावरण जागरूकता, पर्यावरण का ज्ञान, ए और बी दोनों, यानी पर्यावरण की जागरूकता और पर्यावरण का ज्ञान, और इन दोनों में से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन जो होगा, राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। यानी पर्यावरण शिक्षा का मेन उद्देश्य होता है कि लोगों को जागरूक किया जाए पर्यावरण के प्रति और पर्यावरण का ज्ञान भी उनको दें। आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जो पर्यावरण के प्रति जागरूक हो चुके हैं और सबसे पहला कदम उन्होंने उठाया है पॉलीथीन को लेके। और जिनमें से अभी परसों की न्यूज़ है कि यूपी में भी पॉलीथीन पे बैन लग चुका है। तो ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं जिन्होंने पॉलीथीन पे बैन लगा दिया है। तो ये एक पर्यावरण के प्रति एक कदम है और जागरूकता है, पर्यावरण के प्रति उनको ज्ञान हो रहा है। और एक उदाहरण आप एग्जांपल दे सकते हैं कि लोग किस तरह से जागरूक हो रहे हैं, आप एक उदाहरण देके समझाइए। तो आपके पास बहुत बेस्ट का ऑप्शन है ये कि पर्यावरण के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं और पॉलीथीन जो बैग्स हैं, जो प्लास्टिक के सामान हैं, उन पर बैन लगने जा रहे हैं, खासतौर पर पॉलीथीन पर। और इसका ज़्यादा इफेक्ट जो होता है जानवरों पे और खासकर गांवों पे पड़ता है। जो गाय होती हैं वो पॉलीथीन को खा लेती हैं, लोग उनमें सामान भर के फेंकते हैं। तो ये पर्यावरण के प्रति जागरूकता ही है, उनका ज्ञान ही है। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, शिक्षा व्यवस्था की प्रमुख प्रक्रिया क्या है। तो देश का निर्धारण करना, शिक्षण प्रविधियां, पाठ्यक्रम, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर डी होगा, यानी शिक्षा व्यवस्था की जो प्रमुख प्रक्रिया है वो देश का निर्धारण भी करना होता है, शिक्षण प्रविधियाँ भी होती हैं और पाठ्यक्रम भी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण का अंग है। तो स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, उपयुक्त सभी। तो देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण का जो अंग है वो स्थलमंडल भी होता है, वायुमंडल भी होता है और जलमंडल भी होता है। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों चीज़ें प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या आता है, एक्सप्लेन करिए, लिखिए। तो ये आपके आपको इन चीज़ों को लिखना होगा, ठीक है। पर्यावरण पर किन का अधिकार है, किन लोगों का अधिकार है, मानव का, वनस्पति का, जंतुओं का, समस्त जीवों का। तो राइट आंसर हो जाएगा, समस्त जीवों का जो होता है वो पर्यावरण पर अधिकार होता है। तो आंसर जो है वो डी बिल्कुल राइट होगा, सही होगा। ठोस अपशिष्टों से सर्वाधिक प्रदूषित होती है।
ठोस अपशिष्ट क्या कहलाते हैं? ठोस अपशिष्ट का मतलब, अपशिष्ट का मतलब क्या होता है? अपशिष्ट का मतलब होता है कचरा वगैरह है। तो जो ठोस अपशिष्ट होते हैं, ठोस जो कचड़े फेंके जाते हैं जनरली हम देखते हैं, तो इनसे सबसे ज़्यादा प्रदूषण किन चीज़ों पर पड़ता है, सबसे ज़्यादा इफेक्ट किन, प्रदूषित यानी सबसे ज़्यादा इफेक्ट किन चीज़ों पर पड़ता है? तो इसका सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट है आपका भूम पर पड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका भूम का, क्योंकि जहाँ पर ये चीज़ें फेंकी जाती है वहाँ पर भूम जो होती है बंजर सी हो जाती है, वहाँ पर उपजाऊपन उसकी खत्म हो जाती है। भ्रमण विधि का प्रमुख गुण है, भ्रमण विधि क्या है अब आपको बताना है कि इसकी प्रमुख गुण क्या है। तो फ्रेंड्स, भ्रमण विधि जो होती है बहुत ही इम्पॉर्टेंट विधि होती है आपके एसएसटी की या फिर आप पर्यावरण में पढ़ें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब करें, न्यू वीडियो के लिए बेल आइकन को क्लिक करें और उसे सेव करें ताकि जो भी मैं न्यू वीडियो डालूँ वो आपको ईजी से अवेलेबल हो जाए। थैंक यू। तो देखिए, भ्रमण विधि का मतलब क्या होता है? भ्रमण विधि का मतलब होता है घूम के जाके किसी चीज़ को देखना। तो इसके प्रमुख गुण के अंतर्गत क्या आएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो सी है, यानी ए और बी दोनों, यानी इसमें प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है और इस विधि द्वारा अर्जित ज्ञान स्थायी होता है। वो कैसे? क्योंकि देखिए, भ्रमण विधि जो होती है, जैसे आपने बच्चे को बताया कि गुलाब का फूल ऐसा होता है, इस तरह का होता है और इसकी पत्तियाँ ऐसी होती हैं, ठीक है ना, और ये इसकी स्मेल सुगंध जो महक है ऐसी होती है। लेकिन यदि आप वहीं पर बच्चे को बगीचे में ले जाएँ और दिखा के उन चीज़ों को बताएँ तो उसका इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है, लॉन्ग टाइम के लिए होता है, बच्चा कभी नहीं भूल सकता, ठीक है ना। अनुभव यानी प्रत्यक्ष अनुभव हो गया, घुमा के उस चीज को दिखा के बताना, प्रत्यक्ष अनुभव, और जो आपने चीजें बताई हैं वो ज्ञान स्थायी होता है, यानी बच्चा कभी नहीं भूल सकता। आप बच्चे को बोलेंगे कि कुतुब मीनार जो है दिल्ली में है, हो सकता है आप कुछ दिन बाद पूछे तो वो भूल जाए, लेकिन अगर कुतुब मीनार ले जाके आप दिखा देंगे तो वो कभी भी लाइफ में नहीं भूलेगा। तो दिखाना प्रत्यक्ष अनुभव हो गया, क्योंकि आप प्रत्यक्ष चीजें दिखा रहे हैं, डायरेक्ट उनको ले जा रहे हैं वहां पे, और जो बच्चा देखता है वो लाइफ लॉन्ग टाइम के लिए होता है। तो उसका, उसके द्वारा अर्जित जो ज्ञान होता है वो स्थायी होता है। इसीलिए मैं कम क्वेश्चंस लेके आ रही हूँ, सिलेक्टेड क्वेश्चंस लाऊं, देन आपको जिसमें समझाने की जरूरत पड़े मैं उस चीज को एक्सप्लेन करूँ। कक्षा के बाहर की गतिविधि है लेखन, भ्रमण, व्याख्या, अंताक्षरी। तो देखिए, कक्षा के बाहर की जो गतिविधि है वो आपकी क्या है? भ्रमण है। भ्रमण क्यों है? क्योंकि भ्रमण का मतलब ही होता है कि जब आप कक्षा से बाहर निकलेंगे, कहीं बाहर जाएंगे, घूमेंगे, भ्रमण करना यानी बाहर घूमना, तो सीधी सी बात है कक्षा के बाहर की गतिविधि भ्रमण होती है। व्याख्या करना, लेखन, अंताक्षरी तो क्लास में बैठ के भी हो सकता है और होता भी है। तो राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। पर्यावरण के बारे में बच्चों की समझ निर्धारित होती है किन चीज़ों से? जिज्ञासा से, चिंतन से, ए या बी दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, पर्यावरण के बारे में बच्चों की जो समझ होती है वो जिज्ञासा और चिंतन दोनों से निर्धारित होती है। बच्चों में एक जिज्ञासा होनी चाहिए अपने पर्यावरण को जानने का, अपने आसपास के वातावरण, हमारा जो आसपास का वातावरण होता है वही तो पर्यावरण होता है ना, चारों ओर का आवरण, तो उसको जानने की, और चिंतन से एक चिंता होनी चाहिए। जैसे बोलते हैं कि हमारा पर्यावरण कैसा होना चाहिए, उसका संरक्षण किस तरह का होना चाहिए, हमें इसको बचाना है, तो जिज्ञासा और चिंतन इन दोनों से बच्चों की समझ जो होती है निर्धारित होती है। अगला और लास्ट क्वेश्चन, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि पाठ योजना का महत्व है, पाठ योजना का क्या महत्व है? तो समय एवं शक्ति की बचत होती है, उद्देश्यों की स्पष्टता, आत्मविश्वास में वृद्धि, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर उपरोक्त सभी होगा। पाठ योजना बनाई इसलिए जाती है कि समय एवं शक्ति की बचत तो होती है, जो उद्देश्य होते हैं वो स्पष्ट होते हैं, स्पष्ट सॉलिड क्वेश्चन आपके पाठ योजना में होते हैं और आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। तो पाठ योजना का जो महत्व होता है, समय एवं शक्ति की बचत, उद्देश्यों की स्पष्टता, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। तो राइट आंसर इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए। चैनल के लिए आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब आपके पास टाइम रह गया है कम, 1 मंथ का टाइम है आपके प्रिपरेशन के लिए, तो आपका चल रहा है रिविजन टाइम। नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।